भाई बात करेंगे स्पिरिट मूवी के बारे में। देखो स्पिरिट मूवी बड़ी कमाल की होने वाली है और इसमें एक बड़ी नई चीज़ होने वाली है जो कि बड़ा मज़ा आएगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ है, जो हमें देखने के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। जी हाँ गाइस, साहो में थोड़ा बहुत था लेकिन उतना भी नहीं था, लेकिन इसमें पूरा नया नई तरीके से होने वाली। क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये सुनो। देखो पिंक बिल्ला के साथ प्रोड्यूसर भूषण कुमार बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ रिवील किए हैं वो। एक्चुअली देखो स्पिरिट मूवी जो होने वाली है ना डार्लिंग प्रभास की, एक बड़ी कमाल की मूवी होने वाली है। और वहाँ पे दावा ये किया जा रहा है कि स्पिरिट मूवी में गाने बहुत मस्त होने वाले हैं। जी हाँ गाइस, गाने बहुत मस्त होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। और इसमें नई चीज़ क्या है बताऊँ, नई चीज़ ये है कि डार्लिंग प्रभास इसमें पुलिस अफसर के किरदार में आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, मैंने तो मतलब उनकी जितनी भी फिल्में हैं वो ईश्वर मूवी से लेकर के अभी तक, तो किसी भी फिल्म में वो पुलिस नहीं बने हैं अभी तक यार, किसी भी फिल्म में वो पुलिस अफसर बन के नहीं आए। देखिए साहो मूवी में पहले ये बताया जाता है कि वो पुलिस हैं लेकिन कभी भी वो वर्दी पे नज़र नहीं आते और बाद में पता चल जाता है वो पुलिस नहीं है एक्चुअली में, वो खिलाड़ी हैं। तो साहो मूवी में थोड़ा सा झलक था लेकिन वो नहीं था एक्चुअली, झूठ था, और वर्दी में हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन स्पिरिट मूवी एक कॉफ वाली फिल्म होने वाली है जो कि वो पुलिस अफसर बन के आएंगे और शायद इसमें वर्दी देखने को मिलेगा। और मैं तो ये बात सोच के बड़ा ही एक्साइटेड हूँ कि डार्लिंग प्रभास को पुलिस अफसर के किरदार में देखने को मिलेगा, वर्दी में देखने को मिलेगा, तो बड़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि अगर आप डार्लिंग प्रभास के सारे फिल्म देखे हो ना, तो किसी फिल्म में पुलिस थे क्या ज़रा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि उनकी कोई एक फ़िल्म ऐसा था जिसमें वो पुलिस अफसर बन के आए थे, या फिर कोई ऐसी फिल्म था जो रेफरेंस के तौर पे या फिर कैमियो के तौर पे या फिर वैसे ही वर्दी पहन के सामने आए हो स्क्रीन पे, कोई था क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं था। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करना, आप देखे हो तो डार्लिंग प्रभास को वर्दी पे ज़रूर कमेंट करना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पुलिस अफसर के किरदार में वर्दी में डार्लिंग प्रभास को स्पिरिट मूवी में देखने को मिलेगा। अगर हम स्पिरिट मूवी की बात करें तो एनिमल मूवी की शूटिंग वगैरह बहुत जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगा और ये फिल्म जो है हमें इसी साल ही देखने को मिल ही जाएगा। इसकी जो रिलीज़ डेट वगैरह सब कुछ सामने आ चुका है, अगस्त 11 को एनिमल मूवी हमें देखने को मिल जाएगा। और एनिमल मूवी की गर्मी थोड़ा कम होने के बाद ये स्पिरिट मूवी में संदीप रेड्डी मंगा लग ही जाएंगे और हमें 2025 तक स्पिरिट मूवी देखने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी सवाल ये होता है कि स्पिरिट मूवी को लेकर कोई अपडेट क्यों नहीं आता है। अपडेट इसलिए नहीं आता है कि संदीप रेड्डी मंगा अभी अपने एनिमल मूवी के साथ लगे हैं और एक मूवी बना रहे हैं, वो मूवी को अंडर एस्टिमेट करके किसी और दूसरे उनकी जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है उसके ऊपर वो कैसे अपडेट देंगे, इसलिए स्पिरिट मूवी अभी थोड़ा सा स्टॉप हो गया है और उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और वैसे भी डार्लिंग प्रभास भी इस कदर बिजी हैं तो जो नहीं चल रहा है उसके ऊपर अपडेट कैसे आएगा, जो चल रहा है उसके उसका ही अपडेट आएगा ना, इसलिए स्पिरिट मूवी का अपडेट कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डार्लिंग प्रभास को वर्दी में देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो ज़रूर कमेंट करना यार।